हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 मार्च के इंग्लिश के एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस, और जो भी क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहां पर कंपाइल करके ये वीडियो बनाया है। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें और डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, एक ये स्पेलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, अपीयरेंस की स्पेलिंग इस पर पूछी गई है, और इस तरह की स्पेलिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं एसएससी एग्ज़ाम में, जिसमें ई और ए का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको गलत स्पेलिंग में जैसे ए यहाँ पर दिया है तो इसकी जगह ई कर देंगे, यहाँ पर ई दिया है तो इसकी जगह ए कर देंगे, इस तरीके से चेंज करके स्पेलिंग्स पूछते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है अपीयरेंस। दूसरा वर्ड देखते हैं अपेरेंट, जिसका अर्थ होता है ऑब्वियस, यानी जो क्लियर है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ए और ई में कुछ गलती करके देते हैं, जैसे यहाँ पर ए की जगह ई कर दिया, यहाँ पर ई की जगह ए कर दिया, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को रखते हैं यहाँ पर अपेरेंट। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इन गेस्ट पेपर्स के बारे में, यदि आपने अभी तक इनको नहीं लिया है तो इनको आप ले सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इन गेस्ट पेपर्स में से पूछे जा रहे हैं। तो ये है इंग्लिश का, और ये है कॉम्बो पैक, इसमें पूरा GST है, पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इंग्लिश के इसमें करीब 250 से 300 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एब्ज्यूर, एक ये वर्ड पूछा गया है, ये भी 19 मार्च को ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। एब्ज्यूर का अर्थ होता है किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना, डिस्क्लेम कर देना। तो रेनाउंस और डिसओन इसका सिनोनिम होगा, और क्लेम इसका एंटोनिम होगा, एब्ज्यूर। देखिए, ये कुछ इडियम्स पूछे गए हैं, और एक ये इडियम पूछा गया है टू थ्रो अ टॉवल इन। ठीक है, टू थ्रो अ टॉबिल इन, ये जो इडियम है ये बॉक्सिंग से लिया गया है। बॉक्सिंग में जब एक व्यक्ति, जब एक खिलाड़ी जो होता है वो हार जाता है तो अपनी टॉबिल को वो फेंकता है। ठीक है, द फ्रेज कम्स फ्रॉम बॉक्सिंग इन विच अ फाइटर इंडिकेट सरेंडर बाई थ्रोइंग अ टॉबिल इन टू द रिंग। ठीक है, जब वो अपना सरेंडर स्वीकार कर लेता है तो वो अपने जो तौलिया होती है उसको फेंकता है, थ्रो अ टॉबिल इन टू द रिंग। तो ये इस सेंटेंस का, इस इडियम का मतलब है। और दूसरा पूछा गया है टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब है कि एक ही टाइम पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना, हो जाना और अपने काम को बिगाड़ लेना। मतलब टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब है कि काफ़ी सारे काम आप एक साथ कर रहे हैं और एक भी काम उसमें से सही नहीं हो पा रहा है, तो ये इसका मतलब है टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ये एक सिनोनिम पूछा गया है लैकडाइसिकल, और इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट शिफ्ट में इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। और लैकडाइसिकल का मतलब है जो थोड़ा सा केयरलेस है, थोड़ा सा लेजी है, थोड़ा सा न्यूट्रल है, या ए पैथेटिक है, मतलब एक्साइटेड नहीं है अपने काम के बारे में, उसको हम बोलते हैं लैकडाइसिकल। लैक का मतलब होता है कमी, और अडाइसिकल मतलब एनर्जी, जिसमें एनर्जी की थोड़ी सी कमी है उसको हम बोलते हैं लैकडाइसिकल, और एक्साइटेड या एनर्जेटिक जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये सारे ही वर्ड्स मैं अपने यूट्यूब पर, मेरी जितनी भी वीडियो क्लासेस हैं उनमें ऑलरेडी मैं कई कई बार इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यदि आप मेरे पूरे वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके, तो डेफिनेटली आप 90% तक आराम से स्कोर कर सकते हैं किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में, बशर्ते आप सारे वीडियो क्लासेस सारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड हाउ वर्ड्स डेवलप। ठीक है, वर्ड्स का अध्ययन और किस तरीके से वर्ड्स डेवलप होते हैं, तो हम बोलेंगे फिलोलॉजी। ठीक है, फिलोलॉजी इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आउट ऑफ द वुड, इसका क्या मतलब है। आउट ऑफ द वुड का मतलब है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, खतरे से बाहर हो जाना, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ये क्वेश्चन भी ये पूछा गया है अभी कुछ दिन पहले, ये 19 मार्च को तो नहीं लेकिन कुछ दिन पहले ये पूछा गया है एसएससी में। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का अर्थ होता है अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत व्यक्ति को अक्यूज करना या उसको क्रिटिसाइज करना, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं डाई इन हार्नेस, इसका क्या मतलब है। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि सर्विस करते समय, जिस समय आप ड्यूटी पर हैं, जिस समय आप ऑन ड्यूटी हैं, उस समय ही आपकी डेथ हो जाना, तो डाई वाइल इन सर्विस, ये इसका मतलब है। निप इन द बड, ये भी एक अच्छा इडियम है और इसको भी पूछा गया है। निप इन द बड का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को उसकी शुरुआत में ही ख़त्म कर देना, इसको हम बोलते हैं निप इन द बड। डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज,
ठीक है, निप इन द बड इसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं देयर विल बी ब्लैक मर्डर व्हेन शी हियर्स दिस. तो ये फ्लप का क्वेश्चन है और ब्लैक के स्थान पर इसमें क्या आएगा ये आपको लगाना है. इस सेंटेंस का मतलब है कि देयर विल बी ब्लैक मर्डर व्हेन शी हियर्स दिस, मतलब जब वो है उस इस बात को सुनेगी तो काफ़ी शोर शराबा होगा, फालतू का शोर होगा. तो उसको हम बोलते हैं, ये एक इडियम है, इसको हम बोलते हैं ब्लू मर्डर. ब्लू मर्डर का मतलब होता है फालतू का शोर शराबा. तो ब्लू यहाँ पर ब्लैक के स्थान पर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीपल क्रिटिसाइज द टेररिस्ट अटैक. तो इसमें आपको क्रिटिसाइज को रिप्लेस करना है, क्रिटिसाइज को रेक्टिफाई करना है. क्रिटिसाइज यहाँ पर करेक्ट तो है लेकिन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक को हम क्रिटिसाइज नहीं करते. क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना या खामी निकालना किसी चीज़ में से. तो यहाँ पर पीपल टेररिस्ट अटैक की खामी नहीं निकालेंगे बल्कि उसकी भत्सना करेंगे, मतलब उसको बुरा बताएंगे. तो उसको हम बोलते हैं कंडेम. तो यहाँ पर क्रिटिसाइज के स्थान पर कंडेम वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा. कंडोन का अर्थ होता है ओवरलुक कर देना किसी चीज़ को, और कंसीट का अर्थ होता है हार मान लेना. नेक्स्ट हम देखते हैं, माई ग्रुप ऑफ टेंथ ग्रेडर्स आर सच वेल बिहेव्ड. ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन मिला है. और यहाँ पर देखिए ग्रुप जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए आर तो आएगा नहीं, इज आएगा. और इसके साथ आप वेल के साथ आप सच नहीं लगा सकते, क्योंकि वेल क्या है, एक एडवर्ब है और एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे आप एडवर्ब से यानी सो से. ठीक है, तो सच से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि सच एक एडजेक्टिव है, सो एक एडवर्ब है. तो एडवर्ब को आप एडवर्ब से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए. देखिए ये क्वेश्चन, इन स्कूल वी हैव टू इनरोल इन स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक. एक स्पोर्टिंग कलर का क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है. इन स्कूल, देखिए इन स्कूल हमें इनरोल किया जाता है, हमें स्कूल किया जाता है किसी के द्वारा. ठीक है, तो ये एक्चुअली ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है. इन स्कूल वी हैव टू बी इनरोल्ड, यहाँ पर बी और लगाना पड़ेगा आपको और ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा. इन स्कूल वी हैव टू बी इनरोल्ड इन स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक. नेक्स्ट हम देखते हैं, आई वॉज वेरी लकी दैट डे एंड कैच्ड अ लॉग ऑफ फिश. इस सेंटेंस में क्या गलती है, इस सेंटेंस में जो गलती है, चूँकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पर कैच की पास्ट टेंस, कैच का जो पास्ट फॉर्म होगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा जो कि होता है कॉट. तो ये यहाँ पर आपका इसमें गलती है. एक ये स्पॉटिंग एरर का सेंटेंस मिला है, वी आर येट स्टार्टिंग ऑफरिंग दिस फैसिलिटी टू आर कस्टमर्स एज वी आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इस फैसिलिटी को अभी हम ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, अभी हमको इसका ऑफर को शुरू करना है क्योंकि हम अप्रूवल का वेट कर रहे हैं. तो अभी हमें ये स्टार्ट करना है. तो इस सेंस को बताने के लिए आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा वी आर येट टू स्टार्ट. वी हैव येट टू स्टार्ट, हैव भी बोल सकते हैं यहाँ पर, वी हैव येट टू स्टार्ट या वी आर येट टू स्टार्ट, ये दोनों ही फ्रेज चलते हैं, दोनों ही फ्रेज करेक्ट हैं. तो यहाँ पर आपको बोलना है वी आर येट टू स्टार्ट या वी हैव येट टू स्टार्ट. ठीक है, तो ए इसमें गलती आपकी मानी जाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक. तो जो इंटरोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं. ये जो विल है ये वुड में चेंज हो जाएगा और वैन के बाद जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो अफर्मेटिव में लिखा जाएगा. यानी जैसे यहाँ पर विल है फिर यू है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, वैन के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, क्योंकि ये अफर्मेटिव में लिखा जाएगा. ये चीज़ आपको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम बैक, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा. और ऐसे ही एक सेंटेंस यहाँ पूछा गया है तो इसको भी व्हेन माय कॉलेज वुड स्टार्ट, इस तरीके से ये बन जाएगा, यहाँ पर आस्क आ जाएगा. और ये जो सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस, उसमें आपका जो कनेक्टर होगा वो इफ़ या वेदर होगा. ठीक है, ये आपके डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन हैं तो इसमें तो डब्ल्यू एच वर्ड ही रहता है, लेकिन जो यस नो क्वेश्चंस हैं इनमें आपका इफ़ या वेदर का प्रयोग हम करते हैं. ही आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड, ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस है जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, इफ़ ही हैड इंटेंटेड टू कम विद हिम.
इस तरीके से ये बन जाएगा। ये कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस मुझे मिले हैं, और इट सीम्स दैट समवन क्लीन्ड द ऑफिस ऑन ट्यूसडे। तो समवन क्लीन्ड द ऑफिस, इट सीम्स दैट समवन क्लीन्ड द ऑफिस, ठीक है। तो इट सीम्स तक तो सेंटेंस वैसे ही रहेगा, इट सीम्स का तो यहीं पर वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इट सीम्स तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस है, समवन क्लीन्ड द ऑफिस, ठीक है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां से ऑफिस से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ऑफिस से सेंटेंस बनेगा। इट सीम्स दैट का इट सीम्स दैट ही रहेगा, इट सीम्स दैट द ऑफिस वॉज क्लीन्ड ऑन ट्यूजडे। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये भी सेम तरीके का सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक पीपुल सीइंग मी इन माई पजामास, ठीक है। तो ये चूंकि कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसको बीइंग और आईएनजी के साथ हम बनाते हैं, बीइंग प्लस वी थ्री के साथ हम बनाते हैं कंटिन्यूस टेंस जो होता है। तो आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक तक तो ऐसे ही सेम ही रहेगा, अब यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा, पीपल सीइंग मी इन माई पजामा। तो इसका हो जाएगा बीइंग सीन इन माई पजामास, आई डू नॉट लाइक बीइंग सीन इन माई पजामास। आई अंडरस्टैंड दैट समवन हिट ग्रेग, आई अंडरस्टैंड दैट ग्रेग वॉज हिट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट, ये यहां से ये इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेग से बनेगा ये। आई अंडरस्टैंड दैट ग्रेग वॉज हिट, चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए ग्रेग वॉज हिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं 19 मार्च के, और ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो उनको मैं वीडियोस के फॉर्म में अपलोड करूँगा। और इन गैस पेपर्स को यदि आपने लिया है तो उसका फीडबैक आप मुझे भेजें, और अभी तक आप नहीं लिया है तो इनको आप लें और इनका फ़ायदा उठाएं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इन प्रोडक्ट को तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको लेना है तो भी वहां से आप चेक करके ले सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे इन नंबर्स पर और इन ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।